वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। पर्यावरण दिवस यानी 21 जून को देश भर में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। इस दिन मध्य प्रदेश में वो कर दिखाया जो अब तक नहीं कर पा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे महा टीकाकरण अभियान पर नजर लगाए हुए थे और करिश्मे का टीका ऐसा लगा मध्य प्रदेश ने कई देशों की आबादी से ज्यादा टीका एक ही दिन में लगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? ऐसा सोमवार को क्या हो गया कि देश में वैक्सीन का कवच रिकॉर्ड तोड़कर लगा? देश में पहले 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच भी टीका उत्सव मनाया गया था, लेकिन चार दिन के टीका उत्सव में एक दिन के भीतर अधिकतम टीका 40 लाख लोगों को ही लग पाया था, जो 12 अप्रैल को लगा था। जबकि 21 जून को महाटीकाकरण उत्सव में कुछ घंटे के भीतर ही 88 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई। इसी के बाद राजनीतिक आरोप लगते हैं कि वैक्सीनेशन का अभियान केंद्र के हाथ में जाने के बाद ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखो हमने कर दिखाया, राज्य नहीं कर पा रहे थे। वैक्सीन वाले इस विवाद में सच क्या है? वाकई टीकाकरण की कीर्तिमान बना है या फिर वैक्सीन मैनेजमेंट के आरोप सच्चे हैं? मध्य प्रदेश में 21 जून को 16,95,000 लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन इससे पहले के कुछ दिन के आंकड़े देखिए। 20 जून को सिर्फ 692 डोज मध्य प्रदेश में दी गई थी। उससे पहले 19 जून को 22,006 लोगों को वैक्सीन लगी, 18 जून को 14,862 लोगों को, 17 को 1,24,226 लोगों को वैक्सीन लगी। मध्य प्रदेश के ये आंकड़े इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या पहले वैक्सीन लगाने की गति को 17 जून से 20 जून के बीच थोड़ा कम किया है, फिर एक साथ उन चार दिनों में इकट्ठा की गई वैक्सीन को 21 जून को महाअभियान के तहत लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। विपक्ष के आरोपों से जुड़े सवालों को लेकर हम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक सच जानने पहुंचे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमने कोई वैक्सीन को रोककर इकट्ठा नहीं किया, जितनी वैक्सीन आती रही उतनी लगा दी। अगर मंत्री जी की बातें सच हैं तो सवाल इन आंकड़ों से उठता है कि क्या 13 जून से 16 जून के बीच जहां रोज औसत 2,28,784 वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग रही थी, उसमें 400% तक की गिरावट 17 जून से 20 जून के बीच कैसे आ जाती है? तब महाटीकाकरण से ठीक चार दिन पहले रोज औसत 42,850 वैक्सीन ही लगाई जाने लगी। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि चार दिन में वैक्सीन की डोज इकट्ठी करके उस महाअभियान का मैनेजमेंट किया गया, जिसमें 21 जून को मध्य प्रदेश ने टॉप किया। जनता को विवाद का इन्फेक्शन नहीं, वैक्सीन का इंजेक्शन चाहिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।